अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस बायो एलिमेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बायो एलिमेंट्स क्या हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, बायो का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म और एलिमेंट्स का मतलब है अनासिर। तो वो अनासिर जो ज़िंदा जानदारों में पाए जाते हैं या वो एलिमेंट्स जो ज़िंदा जानदारों में पाए जाते हैं बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आउट ऑफ 92 नेचुरली अक्रिंग केमिकल एलिमेंट्स, कुदरत में पाए जाने वाले 92 कीमियाई अनासर में से ओनली 16 सिर्फ 16 कामनली यूज्ड आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं इन फार्मिंग द केमिकल कंपाउंड्स, केमिकल कंपाउंड्स बनाने में, फ्राम विच लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड, जिससे ज़िंदा जानदार बनाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, कुदरती तौर पर पाए जाने वाले 92 एलिमेंट्स में से सिर्फ 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि मुख्तलिफ कंपाउंड्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं जिनसे ज़िंदा जानदारों की बॉडी बनी हुई है। तो स्टूडेंट्स, दीज 16 एलिमेंट्स, ये जस्ट 16 एलिमेंट्स 92 में से, ये 16 एलिमेंट्स एंड फ्यू अदर और चंद दूसरे एलिमेंट्स अक्कर इन पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो एक ख़ास जानदार में पाए जाते हैं आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स, उनको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, दीज 16 एलिमेंट्स हैव बीन डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज, वन आर मेजर एलिमेंट्स एंड अदर आर माइनर एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स, आउट ऑफ 16 एलिमेंट्स ओनली 6 एलिमेंट्स make 99% of our body mass and these 6 elements are called major elements। तो students, ये जो हमारे पास 6 elements हैं 16 में से, जो हमारी body mass का 99% हिस्सा बनाते हैं, इनको हम कहते हैं major elements। these 6 commonest bio elements which count for 99% ऑफ आवर बॉडी मास आर कॉल्ड मेजर एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज ऑक्सीजन, दैट इज 65%। ऑक्सीजन हमारी बॉडी का 65% हिस्सा बनाती है। उसके बाद है नंबर 2, दैट इज कार्बन, एंड कार्बन मेक 18% ऑफ आवर बॉडी। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन एंड इट मेक्स 10% ऑफ आवर बॉडी मास। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन एंड इट काउंट्स फॉर 3%, ये हमारी बॉडी का 3% हिस्सा बनाती है। नेक्स्ट इज कैल्शियम एंड कैल्शियम मेक 2% ऑफ आवर बॉडी मास। नेक्स्ट इज फास्फोरस एंड इट मेक्स 1% ऑफ आवर बॉडी मास। सो दीज कैन बी described as, students, these are graphically represented as, oxygen is highest level, next to it there is carbon, next to it there is hydrogen, next to it there is nitrogen, next to it there is calcium and then phosphorus। students, next category हमारे पास minor elements, these are the 10 elements which count for 1% of our body, जो हमारे जिस्म का 1% हिस्सा बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें से देखें, दे इंक्लूड 1% पोटासियम, 0.35%। नेक्स्ट इज सल्फर, इट काउंट्स 0.25%। क्लोरीन, इट काउंट्स फॉर 0.15%। सोडियम, इट काउंट्स फॉर 0.15%। मैग्नीशियम, इट काउंट्स फॉर 0.05%। आयरन, इट काउंट्स 0.004%। नेक्स्ट टू इट देयर इज कॉपर, दैट इज ट्रेस एलिमेंट, बहुत कलील मकदार में पाया जाता है। मैगनीज ट्रेस एलिमेंट है, ये भी कलील मकदार में पाया जाता है। जिंक इज ट्रेस एलिमेंट, ये भी हमारी बॉडी में कलील मकदार में पाया जाता है, बहुत कम मकदार में। आयोडीन, दिस इज़ आल्सो ट्रेस एलिमेंट। तो ये ट्रेस एलिमेंट्स जो हैं दे आर 4 इन नंबर,
और ये एलिमेंट्स बहुत कलील मिकदार में पाए जाते हैं हमारी बॉडी में। अल्लाह हाफिज़।